हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुक रेसिपीज। आज हम बनाएंगे चना मसाला। नॉर्मली हम चना मसाला ड्राई ही खाते हैं, लेकिन आज मैं इसे ग्रेवी के साथ बनाऊंगी। मैंने चना लिया था 1 कप और इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया, और उबालने के लिए मैंने इसको 1 कप पानी में इसको उबाला, और इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर को यूज़ करके 3 सीटियों के साथ इसको उबाल लिया है। और आप इसे देख सकते हैं, हाथ से प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही ईजिली प्रेस हो जा रहा है, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से उबल चुका है। तो आइए इसका इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, और ये मसाले के लिए है जो हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक स्मॉल साइज अनियन, इसको मैंने रफली चॉप किया है। यहाँ पर 4 हरी मिर्च लिए हैं, और यहाँ पे 1 से 1.5 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा यानी जिंजर लिया है। यहाँ पे क्यूमिन सीड, जीरा लिया है 1/2 टीस्पून। यहाँ पे मैंने जावित्री लिया है थोड़ा सा। यहाँ पे 2 क्लॉव्स लिए हैं। यहाँ पे काली मिर्च लिया है। यहाँ पे 12 से 15 कलियाँ लहसुन की यानी गार्लिक लिया है। यहाँ पे 2 बेलीफ यूज़ किया है मैंने, और यहाँ पे सिनेमन स्टिक लिया है। और तड़के के लिए यहाँ पे है 1/2 टीस्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स, 1 मीडियम साइज़ का अनियन मैंने फाइनली चॉप करके लिया है। यहाँ पे बेलीफ लिए हैं 2। यहाँ पे और मैंने 2 सूखी मिर्च ली है, और जावित्री और 2 कार्डमम सीड्स लिए हैं। और मसालों के लिए हम लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी और हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है कोरिएंडर लीव। तो आइए, और यहाँ पे हींग, 1 बिग साइज़ का मैंने टोमेटो यूज़ किया है, उसको फाइनली चॉप किया है, और नमक। सो आइए हम इन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका पेस्ट बनाएंगे, और आप इस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च को ज़्यादा या कम कर सकती हैं। तेजपत्ता डालने से, तेजपत्ता को नॉर्मली हम यूज़ करते हैं तड़के के लिए, लेकिन इसको पेस्ट बनाने में भी यूज़ किया जाता है, और इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा आता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे मेरा चैनल और मेरी रेसिपी, सो प्लीज़ इसको यूज़ करके लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ पे मैंने इसका सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने दिखाए थे उसका पेस्ट बना लिया है, और अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आइए, अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, और कढ़ाई को आइए गैस स्टार्ट करके इसको कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देते हैं। यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई है, हम तेल यूज़ करेंगे। हमने लगभग 2 टेबलस्पून जितना तेल यूज़ किया है। और अब हम तड़के के लिए सबसे पहले इसमें हींग डालेंगे। ऐसा फर्स्ट इसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाला, उसके बाद बेली, इसको थोड़ा स्प्लिटर होने देते हैं। हम इसमें अनियन डाल देंगे। प्याज को हम अच्छा भुनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। आप देख रहे हैं अभी थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है, लेकिन इसे हम थोड़ा और ब्राउन करेंगे, डार्क गोल्डन ब्राउन। यहाँ पे हमारा अनियन भुन चुका है, अब हम फ्लेम को लो करेंगे, और अब हम इसमें सबसे पहले ड्राई मसालों को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे
टर्मेरिक पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर लेंगे हम एक टीस्पून, एक से डेढ़ टीस्पून, गरम मसाला लिया मैंने हाफ टी स्पून, और इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने एक नया तरीका सीखा है और मैं वही आपको बताने जा रही हूँ। इसके बाद इसमें मैंने जो मसालों का पेस्ट बनाया था उसको ऐड करूँगी। टमाटर भी साथ में डालूंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बना रही हूँ, लेकिन एक बार आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और बहुत अच्छा बनता रहेगा। और यहाँ पे मैं साथ में नमक भी ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे लिया है एक टीस्पून नमक, क्योंकि हमने थोड़ा सा नमक उसमें भी डाला था बॉयल करते वक्त चने में, तो उस हिसाब से हम नमक डालेंगे। और इसको चलाएंगे बिल्कुल नहीं, और इसको एकदम लो फ्लेम पे हम इसको ढक देंगे, कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको दो मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। दो मिनट हो चुका है, हम इसको देख लेते हैं। और ऐसा करने के पीछे रीज़न ये था कि मसालों को सिर्फ छोड़ दें, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से वो घुल जाते हैं एक दूसरे में, और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है इससे। हमारे जो टोमेटो है इसको मैंने आपको बताना भूल गई थी, आप इसका प्यूरी भी बना के यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मुझे इस तरह यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको अब हम चलाएंगे और थोड़ा सा प्रेस करते हुए चलाएंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से एक पेस्ट की तरह खुद में ही दिखने लगेंगे आपको। तो देखिए, आप देख सकते हैं, और इसको मैं आपको दिखा रही हूँ, और आपको टमाटर कहीं नहीं दिखेगा, टमाटर के टुकड़े नहीं दिखेंगे आपको, और ये बहुत ही अच्छा एज अ पेस्ट बन जाएगा इसमें। लेकिन थोड़ा सा आपको प्रेस करके इसको चलाना पड़ेगा, और फिर इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। फिर मसालों को जैसे हम भूनते हैं वैसे भूनेंगे। ये हमारा, एक बार हमने इसे अच्छे से चला दिया, और इसे हम फिर से कवर करके इसको भूनेंगे मसालों को। फिर से हम दो मिनट के लिए, और यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे भुनना स्टार्ट करेंगे। दो मिनट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भुन चुका है, मसाला हो गया है। अब हम इसमें अपना उबला हुआ चना ऐड करके फिर एक मिनट के लिए कवर कर देंगे, और इसको जो पानी के साथ ही यूज़ करेंगे। फ्लेम को हाई करेंगे, मैंने उबालते वक्त इतना पानी डाला था जितना मुझे ग्रेवी की ज़रूरत थी। आपको थिक या थोड़ा पतला ग्रेवी चाहिए, जित ग्रेवी के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसको एक बॉयल आने देंगे हम, और इसको फिर से दो मिनट के लिए ढक देंगे। मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे उतनी ही ग्रेवी चाहिए थी, ये बात मैं फिर से बोल रही हूँ। अगर आपको पानी चाहिए तो आप उसी टाइम थोड़ा सा और पानी ऐड कर दीजिएगा, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। और ये अच्छे से इसको उबाल आने देंगे दो मिनट के लिए, और दो मिनट के बाद हमारा ये रेसिपी बन के तैयार है। तो लास्ट में हम कसूरी मेथी और गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर लीव यूज़ करेंगे। आप प्लीज़ इसे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, हिट द लाइक बटन प्लीज़। तो देखते हैं, आइए देखते हैं। दो मिनट हो चुका है, कुकिंग के टाइम थोड़ा हमें एक्स्ट्रा केयरिंग होना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं साइड में तेल आ गया है, और ये एक थिक ग्रेवी के साथ ये रहा हमारा चना मसाला।
और मेरा ये चना मसाला बनके तैयार है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथ पे रब करते हुए डाल दिया। उसके साथ ही मैं हरा धनिया ऐड किया। और बस हमारा चना मसाला तैयार हो गया। तो आइए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और अब हम इसे सर्व कर देते हैं। यहाँ पर इसको हरे धनिया से गार्निश करिए। और रेडी है आपका चना मसाला विद ग्रेवी। और इसे आप गरम गरम चावल और रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे आप लंच में या फिर डिनर में, एक हेल्दी रेसिपी है। जैसा हम सब जानते हैं चना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। थैंक यू। Thanks for watching my video.